गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र दास महंत, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश चैप्टर 5, ए पोयम, व्हेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ओके, सो स्टूडेंट्स, केयर पे अटेंशन टू एवरी वर्ड्स। ओके, बिफोर वी रीड, For a little child, a teacher is special. It is difficult, but for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. Okay, students, in this poem we will learn, इस चैप्टर में एक बच्चा यह सोचता है कि उसका शिक्षक भी एक साधारण इंसान है। वो उसको सोचने में यह बहुत अजीब सा लगता है। ओके, सो इस पोएम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? स्कूल की छुट्टी के बाद 4 बजे के बाद शिक्षक कहाँ जाते हैं? क्या वे भी अपने घर जाते हैं, अपने घर में रहते हैं? क्या वे भी अपने सॉक्स को धोते हैं? डू दे वियर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वे भी घर में पजामा पहनते हैं और अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं? एंड डू दे पैक देयर नोसेस? के क्या वो भी अपने नाक साफ क्या करते हैं? द सेम एज यू एंड मी, जो हम लोग रोज के करते हैं। डू दे लिव विथ अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वेयर दे योर चिल्ड्रन? एंड वेयर दे योर बैट? क्या उनके भी माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं? क्या उनके साथ भी बहुत सारे लोग रहते हैं? क्या वो भी कभी एक बच्चा था तो उस समय वो भी क्या शैतान था, बदमाश था? डिड दे ईवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे ईवर मेक मिस्टेक्स? वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या कभी वो भी एक छोटा बच्चा था और गलतियाँ क्या करता था, स्पेलिंग ठीक से स्पेलिंग नहीं लिखता था? क्या वो भी बहुत सारी गलतियाँ करता था? क्या वो भी पनिशमेंट के तौर पर उनको भी एक किनारे पर खड़ा कर दिया जाता था और उनको भी चॉकलेट चुराने के लिए पिंच किया जाता था? डिड दे ईवर लॉस देयर हाइमन बुक्स? डिड दे ईवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रैम्बल ऑन द डेस्क टॉप? क्या उनको भी अपने बुक्स के लिए बुक्स को डेस्क के ऊपर खड़ा बुक्स के लिए उनको खोने पर बुक्स खोने पर डेस्क के ऊपर खड़ा करना पड़ता था? क्या उनको भी अपने गंदे पतलून पहन के आने पर डांट प्रकार पड़ती थी? क्या उनका भी शिक्षक स्कूल में इसी प्रकार का व्यवहार करता था? Did they wear old dirty jeans? I will plow on back home today. I will find out what they do. Then I will put into a poem that they can read to you. तो क्या अपने ज़माने में अपने जब वो बच्चा था उस समय वो भी गंदा जीन्स पहनता था?
मैं बच्चों सोचता कि आज मैं शिक्षक का 4 बजे के बाद उनका पीछे पीछे जाऊंगा, उनके घर तक जाऊंगा और सब चीज़ नोटिस करूंगा कि वो घर में क्या करता है, और उनको एक पोएम बनाकर एक पोएम लिखकर मैं कक्षा में उनको शिक्षकों को कक्षा में पढ़कर सुनाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बच्चा अपने शिक्षक के बारे में जो जिज्ञासा है, क्यूरियस है कि शिक्षक भी क्या एक नॉर्मल इंसान है, क्या वो भी गलतियां करता है, मतलब इस टाइप का उनका जिज्ञासा है और वो शिक्षक के घर जाने की बात भी कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर्स। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।